देखिए डिजिटल सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें क्या है हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से नंबर सिस्टम यूज होते हैं, कौन कौन से नंबर सिस्टम यूज होते हैं जी। हमको जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ये इसको 3 स्टार देंगे जी, इसको 3 स्टार देंगे, क्योंकि कन्वर्जन आएगा जी, कन्वर्जन आएगा, बोलेगा किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बताया जी इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना। बोलता है ऑक्टल नंबर को डेसिमल में बताया जी क्या होता है। चलिए तो बाइनरी नंबर में क्या होता है, कितने बेस होते हैं जी, 2 बेस होता है। क्यों 2 बेस होता है, क्योंकि 0 और 1 हो सकता है, तो 2 बेस हो गया। ऑक्टल में कितने बेस होते हैं, 8 बेस होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने नंबर हुए, 8 हुए, तो 8 बेस हो जाएगा। डेसिमल में कितने बेस होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 तक जाते हैं। ये हम लोग लिखते हैं जी, हम लोग किस में लिखते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं। तो कितना बेस है इसमें, 10 बेस है, इसीलिए 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें 2 का पावर 1 से, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2, इसमें 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे। हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है जी, 16। नाम से पता चल रहा है हेक्साडेसिमल, और डेसिमल माने 10, ऑक्टल माने 8, बाइनरी माने 2, ठीक है जी। तो हमको बेस एरिटिक से याद करने की जरूरत भी नहीं है, उसको नाम में ही छुपा हुआ। बात करते हैं कि किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे जी। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, पहले बाइनरी नंबर को किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना है तो याद रखिए कि हमारा बेस क्या होता है जी, बाइनरी जैसे है, बाइनरी कोई नंबर है उसको डेसिमल में ले जाना है, तो क्या जी यहाँ बाइनरी है, यहाँ डेसिमल है। हमको बाइनरी से किसी भी नंबर से अगर लाना है डेसिमल में लाना है तो हम क्या करेंगे जी, बाइनरी से ले जाना है तो क्या करेंगे, 2 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के पावर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या चल जाएगा, कोई भी नंबर से क्या चल जाएगा, डेसिमल जाएगा। और मान लीजिए ऑक्टल से जाना है, ऑक्टल से जाना है तो क्या करेंगे, 8 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, 8 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए हेक्साडेसिमल से जाना है जी, हेक्साडेसिमल से जाना तो क्या करेंगे, 16 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। समझिए कितना आसान है, देखिए बाइनरी से जाने के लिए 2 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्टल से डेसिमल जाने के लिए 8 के, हेक्साडेसिमल से 16 से। हम यहाँ सबको एक साथ बता रहे हैं, आपको यही चीजें जो आपको दूसरे लेक्चर दूसरे वीडियो में पढ़ाया जाएगा, 4 4 5 5 लेक्चर लेंगे, देखिए कितना आसान है, समझिए। बस मैं लॉजिक से पढ़ाता हूँ, मैं रटा नहीं सकता जी, क्योंकि मुझे खुद रटना नहीं आता है, इसलिए मैं आपको रटा नहीं सकता, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं क्यों रटने की कोशिश करूंगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे आ रहे हैं बाइनरी नंबर से एक दिया हुआ है, उसको हमको क्या करना है जी, डेसिमल में कन्वर्ट करना है जी। देखिए एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, क्या नंबर दिया है जी, 1102। हमको दिया हुआ है कि एक नंबर है जी 1102, बाइनरी में है, जिसको बेस 2 लिखा है, बोला है कि डेसिमल में बताया जिसका वैल्यू क्या होगा। मैंने क्या बोला कि 10 बेस 2 है तो डेसिमल में जाना है तो क्या करेंगे, 2 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 के पावर क्या होता है, 0, 2 के पावर क्या होता है, 1, 2 के पावर क्या होता है, 2, 2 के पावर क्या होता है, 3। समझ में आया जी, देखिए 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इसके लिए 0 यूज किया, इसके लिए 1 यूज किया, इसके लिए 2 यूज किया, इसके लिए 3 यूज किया। अब 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे, 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 था तो 0 से मल्टीप्लाई किए हैं जी, इस बात को समझिए, यहाँ 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई किया। अब पावर तो हमको पता ही है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, देखिए कितना आसान है। इसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 2 के पावर 0 क्या होता है, 1, तो 1 हो जाएगा, 1 × 1, ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 × 2 = 4, 2 = 8, तो क्या हो जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है जी, 13। अगर इस नंबर को लिखा है तो डेसिमल में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इसलिए देख सकते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना सिंपल है देख सकते हैं, ठीक है जी, सिंपल है ना। अब चलते हैं जी कुछ ऐसा नंबर लेने के लिए जो क्या हो, और भी बाइनरी नंबर है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये नंबर है 11, देखिए ये 11111 है जी, इसके लिए अगर कहा जाए तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 1 × 2 के पावर 0, 1 × 2 के पावर 1, 1 × 2 के पावर 2, सबको ऐड करेंगे जी, ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 2 + 4, क्या मिला, 7। तो ये क्या है जी, 7 नंबर है, इसको अगर बाइनरी को डेसिमल में जाएगा डेसिमल क्या बारे मिलेगा, 7 मिलेगा, इसको कितना आसान है। चलिए अब था ये बिना डेसिमल का था, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर दे दीजिए जैसे क्या है, दशमलव के बाद दे दे बाइनरी नंबर, तो क्या करेंगे जी, देखिए अब दशमलव के बाद नंबर दिया है 110, बाइनरी नंबर दिया है, इसको बोल रहा है कि ये 2 दिया है कि मतलब बाइनरी में है, इसको बोल रहा है कि दशमलव
डेसिमल नंबर में बताएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, तो याद रखिएगा 18 लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, डेसिमल में इसका मान बताएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कुछ बातें हैं जो बताई जाती है वो क्वेश्चन में ही बताई जाती है, तो उसको समझना पड़ता है, इसीलिए जरूरी है। बात करें इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना, क्या करेंगे देखिए इसके लिए अब हमको क्या करना था जी, ये बहुत प्रॉब्लम है कि यहाँ से अब दशमलव वाला है तो यहाँ से चलेंगे, क्या चलेंगे 2 के पावर -1, 2 के पावर -2 और 2 के पावर -3। ठीक है जी, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कर देंगे, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जी 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, 1 है तो 1 से, 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/4, ये 0 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3/4, तो क्या हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। जो वैल्यू देखिए 0.75 है जी, डेसिमल में क्या है इसकी वैल्यू 0.75। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कितना आसान है। मैं इसी क्वेश्चन को कहूंगा कि बार बार आप इसको जाएं और बार बार इसको क्या करें जी, आप इसको बनाने की कोशिश करें। ऐसे क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, इस जो बुक है इस बुक में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए गए, लास्ट में जाइएगा उस न्यूमेरिकल को देखिए, बहुत सारा है क्वेश्चन इसमें दिया गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आपको ये डिजिटल इलेक्ट्रिक डिजिटल सिस्टम के नाम से है, ठीक है जी। बाइनरी से हमने क्या सीखा, भी डेसिमल सीखा। अब आते हैं डेसिमल नंबर जी, पढ़िए हमने बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना सीख लिया जी, अब है डेसिमल पद्धति में आते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है जी, अब देखिए बोल रहा है कि अब कोई डेसिमल नंबर दिया हो, क्या दिया हो जी, डेसिमल नंबर दिया हो और उसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। इससे पहले क्या था, बाइनरी नंबर दिया रहता था तो हम इसको डेसिमल में जाते थे, अब बोल रहा है कि डेसिमल नंबर दिया उसको बाइनरी में जाओ। तो जैसे मान लो हमको दिया है जी 101 दिया, वो क्या दिया 101 दिया हुआ है, क्या है जी डेसिमल में है, बोल रहा है कि बाइनरी में कन्वर्ट करो, चलो 102 ही ले लो बाइनरी में, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे क्या मिलेगा 5 और 1, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, शेष कितना बचेगा 0, फिर से 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 25, रिमाइंडर कितना बचेगा जी 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, फिर से इसको 2 से भागा देंगे 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, फिर से 2 से भागा देंगे 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, फिर से 2 से भागा देंगे जी। ऐसे ही हमको क्या करना है जी, भागा देते जाना है, 2 से भागा देंगे क्या मिलेगा 3, रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, इसको 2 से भागा देंगे क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा और 1 मत में भागा लगेगा। ठीक है जी, अब देखो इसको हम उल्टा ऐसे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 1100 1100 1100 1100 1100, ये आंसर होगा बी, क्या हो जाएगा बाइनरी में हमारा आंसर हो जाएगा जी। ठीक है जी, देखो अब बात करते हैं इसमें एग्जांपल जो लिया गया है, देखिए दशमलव वाला नंबर लिया गया है उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए तो हम लेते हैं 105, 105 को पहले लेते हैं जी, 105 105 लेते हैं, इसको क्या करेंगे जी 105 को लेंगे, उसके बाद 2 से भागा देंगे, चलिए 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 2, एक क्या आ जाएगा कैरी रहेगा, एक क्या आ जाएगा रिमाइंडर रहेगा सॉरी, 2 से भागा देंगे तो क्या होगा 26 2 52 0 हो जाएगा शेष पर, 2 से भागा देंगे तो 13 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा शेष, 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 2 12, 1 हो जाएगा क्या रिमाइंडर, इसे 2 से भागा देंगे क्या आ जाएगा 3, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसे 2 से भागा देंगे तो 1, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, 2 से भागा देंगे 1 मर्त में और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो क्या नंबर आया जी हमारे पास, नंबर आया 1100 1001 0001 1101 0100 0101, ये लिखते हैं ठीक ना, यहाँ से लिखना है, ऐसे नहीं कि यहाँ से लिख दीजिए उल्टा हो जाएगा। ये क्या जी देखो 105 के लिए, क्या जी 105 के लिए इसने सॉल्व किया है, इसने किया है सॉल्व और इसको ये लिखा है, देखो 105 के लिए इसने सॉल्व करके लिखा है, यहाँ मैं आपको आंसर मैच करा देना चाहता हूँ, क्या आया जी हमारा 1 1, देखो जी आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं इसको मिला दे रहा हूँ 1101 001 आ गया, डेसिमल से पहले नंबर मैच कर गया, तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा ये से कैलकुलेशन हो जाएगा। हमने क्या किया था, उधर वाले में हमने 2 से गुना किया था, जब बाइनरी से डेसिमल जा रहे थे 2 से गुना कर रहे थे, आज जब डेसिमल से बाइनरी में आ रहा था 2 से भागा कर रहे हैं, ये भागा ही तो है एक तरह से, और शेष पर लिख रहे हैं, कितना आसान है कितना सिंपल है, आप समझ सकते हैं इससे। ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे, अगर इसी में क्या है जी दशमलव है, क्या है जी
इसी में अगर डेसिमल नंबर, ये क्या है जी, डेसिमल नंबर है जैसे 8, इसी में क्या था जी, डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर को अगर कन्वर्ट करना है दशमलव वाले को यानी करना है, डेसिमल यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद नहीं है, दशमलव वाले नंबर को क्या करना है जी, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे अब 2 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे जी, 2 के पावर क्या लेते हैं जी, पहले वाले में लेते हैं आपको 2 से गुणा करेंगे। देखिए जी अब 2 से गुणा करने का तरीका देखिए यहाँ पे क्या है, 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1.7, 1.7 मिलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 ये जो आ जाएगा 1 यहाँ पे आ जाएगा एमएसबी के लिए, और 7 आ गया 0.7 आ गया, 0.7 को फिर से 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 1.4, एक चला जाएगा इधर, डेसिमल से पहले जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा इधर चला जाएगा, फिर 0.4 है, फिर इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 8, तो दशमलव से पहले 0 है तो 0, फिर से 8 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा जी 16, 1.6 फिर से 1 मिला। तो हम ज्यादा जितना चाहे उतना जा सकते हैं, लेकिन हमको क्या है जी 4 ही 5 डिजिट के बाद छोड़ देना होता है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहीं तक रुक जाएंगे। देखिए अब इसमें हमने क्या किया जी, ठीक है तो हम यहाँ से लेंगे 1101, कहाँ से लेंगे जी 1101, तो ये मेरा एमएसबी है, ये मेरा एलएसबी है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ठीक है ना, इसी बात को समझिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं ऑक्टल नंबर, हम कौन कौन से नंबर पढ़ चुके जी, बाइनरी नंबर पढ़ चुके, डेसिमल नंबर पढ़ चुके, अब मेरा कौन सा नंबर है ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर नाम से ही पता चल रहा है जी, ऑक्टल नंबर का मतलब क्या होता है जी, ऑक्टल नंबर का क्या नंबर होता है, बेस नंबर कितना हो जाएगा 8 रहेगा, बेस नंबर क्या रहेगा 8 रहेगा, कहने का मतलब कौन कौन सा नंबर हुआ जी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या है जी 8 नंबर हो गया, ऑक्टल नंबर हो गया, ठीक है ना, ये ऑक्टल नंबर बोला कि ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर। मैंने क्या बोला था आपसे कि किसी भी नंबर सिस्टम से, किसी भी नंबर सिस्टम से अगर डेसिमल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा जी 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जी, सॉरी 2 से नहीं, बाइनरी से जाएंगे तो 2 से गुना करेंगे, अगर ऑक्टल से जाएंगे तो क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे, हेक्साडेसिमल से जाएंगे तो क्या करेंगे 16 से गुना करेंगे, तो हम अभी ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं तो 8 से गुना करेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्टल से क्या करेंगे जी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे ऑक्टल से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमारे पास एक नंबर दिया है ऑक्टल नंबर में क्या रहेगा 731, ये ऑक्टल नंबर हमको इसको इसमें ले जाना है जी तो डेसिमल में ले जाना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे दिया जा सकता है, यहाँ 20 10 दे जाएगा, यहाँ पूछेगा क्या होगा, ठीक है ना जी, इसका मतलब है कि ऑक्टल नंबर से हमको किधर जाना है डेसिमल नंबर में जाना है, ये ऑक्टल नंबर इसको डेसिमल में जाएंगे तो क्या करेंगे 8 से क्या करेंगे जी गुणा करेंगे, तो 8 का पावर 0 + 8 का पावर 1 = 3 + 8 का पावर 2 = 7, अब क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, देखो क्या मिला 8 का पावर 0 = 1, 8 3 का 24, 8 8 64 = 7, अभी सबको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा हमारा, सच 28 अपने लगा 2 सच 2 44 + 25, 8 5 13 6 1 7 4, तो कितना हो गया 473 हो गया, 473 आ गया जी आंसर हमारा डिसिमल में। तो इस तरह देख सकते हैं कि हमको ऑक्टल से डिसिमल कन्वर्ट करना भी आ गया, हम ऑक्टल से डिसिमल भी कन्वर्ट करना सीख गए इसमें जी, बाइनरी से डिसिमल भी सीख गए, ऑक्टल से डिसिमल भी सीख गए, ठीक है जी, हमने बिना दशमलव वाले नंबर और विथ दशमलव वाले नंबर हमने सभी सीखे हैं, तो डेसिमल भी सीखे हैं और विदाउट डेसिमल भी, तो अभी तक तो हमने क्या सीखा विदाउट डेसिमल सीखा, अब डेसिमल वाला ले लेते हैं, दशमलव वाला ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई नंबर ऑक्टल में दिया है, किसमें दिया है ऑक्टल में दिया है जी, किसा कैसा दिया गया है ऑक्टल में, नंबर क्या दिया गया है हमको, नंबर दिया गया है 0.361, ऑक्टल में दिया है, बोल रहा है कि डेसिमल में भाई क्या होगा, डेसिमल में क्या होगा, कितना क्वेश्चन है आसान। अब इसको क्या करना चाहिए, हमने 8 से गुणा करना था उधर दशमलव से पहले, लेकिन अब क्या करना है जी 8 से भागा करना होता है, क्या करना होता है 8 का पावर -1, 8 का पावर -2, 8 का पावर -3, क्या करना होगा जी इसको गुणा करना होगा 3 से प्लस इसको गुणा करना होगा 6 से, इसको गुणा करना होगा 1 से। ऑक्टल में जब भी जाते हैं हमने क्या बोला है, ऑक्टल से किसी भी नंबर में जाएंगे तो उसको क्या करेंगे जी गुणा करते हैं, तो यहाँ पे गुणा कर रहे हैं क्या जी दशमलव के बाद में पावर माइनस में लेते हैं, उधर क्या लेते हैं प्लस में लेते हैं जी, ठीक है तो बस वही हो गया 3/8 ये हो जाएगा, 3/6/64 ये हो जाएगा, और 64 × 8 = 32, 512 हो गया, 512 एलसीएम ले लेंगे क्या
क्या मिलेगा? 7 × 3 = 12, 6 × 18 = 19 + 8, 8 × 6 = 48 + 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3 × 8 = 3 = 11, हाथ में लगा 1, 5 × 5 = 9, 14, हाथ में लगा 1, 1 × 1 = 2, 512, तो क्या आ जाएगा? 241/512। अब इसको डिसिमल में जो नंबर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। लिख लेते हैं जी आंसर क्या है इसमें। आंसर तो अच्छा, इसमें तो इसने पूरा डिसिमल में नंबर लाया है, हम भी इसको सॉल्व करके ला सकते हैं जी। आप देख सकते हैं, मैं आइडिया के लिए थोड़ा सा बता दूं, आप देख सकते हैं कि 512 का हाफ है क्या होता है, 512 का पूरा हाफ जाएगा तो 256, 256 होना चाहिए, 256 से कम है, यानी 0.5 से भी क्या है कम है, 0.5 से भी क्या है कम है। थोड़ा सा देखिए कितना सॉल्व करना आसान है, वही बोला कि सॉल्व नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन आएगा पूरा सॉल्व नहीं करना है, ट्रिक लगाना है, वही ट्रिक लगाना है जो आप मैथ रीजनिंग में लगाते हो। अब यही डिपेंड करता है कि आपने रीजनिंग कितनी सीखी है, रीजनिंग जितना अच्छे से सीखेंगे उतना आपको फायदा करेगा। आप रीजनिंग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ये सब आप वहां पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हेक्सा डेसिमल से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। मैं पूरा एक दिन ही आज पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए हेक्सा डेसिमल से डेसिमल नंबर में मैं बोल रहा हूँ किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट कीजिएगा। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में हेक्साडेसिमल से करना है, यानी उसका बेस क्या रहेगा, 16 रहेगा, उसको इसमें ले जाना है, 10 में ले जाना है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होगा, अब 16 नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। तो 16 नंबर देखिए कौन कौन से होते हैं, 16 नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद क्या हो जाएगा, ई बी सी डी ई एफ, 16 नंबर हो गए जी। ई नंबर होता है हेक्साडेसिमल में, समझे जी, ई क्या है हेक्साडेसिमल में ई नंबर होते हैं। तो आपको किसी भी इस सब नंबर का यूज करके क्या हो जाएगा, कोई नंबर बना देगा और कहेगा उसका डेसिमल नंबर बताएं। चलिए हमारे पास है एक नंबर ए बी सी का वैल्यू बताना है जी, हेक्साडेसिमल नंबर ए बी सी इसका हमको वैल्यू बताना है। चलिए जी तो ए बी सी हम ले लेते हैं, हेक्साडेसिमल में नंबर है जी। तो देखो किसी भी नंबर को अगर डेसिमल में ले जाना, क्या है 16 से गुना करेंगे तो सी गुना 16 का पावर क्या 0, 16 के पावर 1 गुना बी, ए गुना 16 के पावर क्या हो जाएगा 2। अब देखो हम बात करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक गए थे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए का मान 10, 11 का मान, बी का मान 11, इसका मान 12, इसका मान 13, इसका मान 14, इसका मान 15 हो जाएगा। देखो सी जब भी रखेंगे तो क्या मान रखेंगे, 12 रखेंगे, तो 12 गुने 1 प्लस 16 गुना बी का मान क्या है जी, तो 11 गुना करेंगे और 16 × 16 = 256 गुने ए क्या है जी, ए का मान 10 है, ठीक है जी 10 है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा क्या आ जाएगी हमारा आंसर हो जाएगा, तो 256 + 6 = 7 = 12, 8 + 7 = 8, 8 × 6 = 14, हाथ में लगा 1, 2 × 2 = 5, 7, 2748 हो गया। आंसर देख लेते हैं कितना है, आंसर कितना है 2748 है आंसर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं हमने हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर दिया किसमें जी, डेसिमल में। हमने क्या किया था पहले, किसको कन्वर्ट किया था जी, हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट, पहले तो हमने डिजिटल नंबर सिस्टम कौन कौन से पढ़े, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, चार नंबर पढ़े। उसमें से हमने क्या सीखा जी, बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा जी, हेक्साडेसिमल को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा जी। इसमें हमने बिना दशमलव वाले, उसके बाद दशमलव वाले भी हमने सीखे कन्वर्ट करना जी, इसमें सब में सीखे, बाइनरी में सीखे, ऑक्टल में सीखे, हेक्साडेसिमल में सीखे। मैं एक एक क्वेश्चन बताया हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा और जाइए आप इस बुक को पढ़िए फिर से अपने से, इसका न्यूमेरिकल लगाइए, आपको हो नहीं सकता है कि कोई डाउट आएगा, ठीक है जी। तो आप यहाँ तक समझिएगा और ये चैप्टर मेरा खत्म हो चुका है। मैं आप चाहूंगा कि आप लोग अपने से इसको पूरा कंप्लीट करें। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आज लेक्चर खत्म हुआ, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए प्लीज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि इस चैनल का पार्ट बने। और मैं बता देना चाहूंगा कि मैंने अब
अपने प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप उस प्लेलिस्ट में जाएं, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का अलग है टॉपिक, आप पूरा पढ़ें, जम के पढ़ें। जा रहे न्यूमेरिकल मैंने जितने लेवल तक बता दिए हैं उससे ज्यादा लेवल तक नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये मैंने कह दिया। तो थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत कुमार हियर टू डिस्कस अबाउट द सेल्स एंड बैटरी टॉपिक्स फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग टॉपिक का है। इसमें मैं आपको टॉपिक सेल्स एंड बैटरी कवर करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर बना रखे हैं, प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाएं, उन सब वीडियो को लेक्चर को देखें, उसके बाद ही आपको समझ में आएगी। मैं बताऊं तो आपको मैंने सेल में क्या पढ़ा रखा था, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल के हमने एग्जांपल्स लिए थे, उसके बाद हमने सभी के क्या किए थे, इलेक्ट्रोलाइट्स का बात किया था, एनोड और कैथोड का बात किया था, उसमें कौन सा एक महंगा होता है हमने उस सब बात किया था। उसके बाद हमने बैटरी का सिंबल का बात किया था, बैटरी को हमने सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया था जी, हमने उसमें एनोड कैथोड सब सीखा था। उसके बाद मैं एक बार फिर से आपको रिविजन करा दूँ, आपको थोड़ी सी रिविजन की भी जरूरत हो सकती है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपको सेल्स जो टॉपिक है, सेल्स जो टॉपिक है उसको मैं कंप्लीट करा दूँ, और इसके बाद आपको फिर से सेल के बारे में ज़्यादा ना पढ़ना पड़ेगी। सेल और बैटरी के बारे में पढ़ रहे हैं, चलिए आते हैं। सेल सेल क्या है जी, अगर सेल के बारे में बात की जाए तो सेल है क्या, तो सेल हमारा क्या है जी, एक क्या है जी, एस्थेटिक कंट्री स्टैटिक डिवाइस है। क्या जी, स्टैटिक डिवाइस है जो क्या होता है, केमिकल एनर्जी को क्या करता है जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस क्या करता है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको मैं मिटा कर दूं, ठीक है, जूम हो गया। चलिए बोला है बैटरी का सिंबल कैसा होता है जी, ऐसा होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, यानी हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है। अब बात की जाए तो प्राइमरी सेल है, ये क्या जी, प्राइमरी सेल होता है, एक क्या होता है, सेकेंडरी सेल होता है। तो अभी हम प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ेंगे, एक एक सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी सेल क्या होता है, बोला कि जिन सेलों में रसायनों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है जी। रासायनिक उसमें क्या होते हैं जी, केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे जो रिएक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है, एनर्जी जनरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं जी, उस सेल को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल बोलते हैं। सेल जो होता है बहुत लो वोल्टेज जनरेट करता है, इसलिए सेल बोलते हैं। लेकिन यह बहुत सारे सेल ऐड कर दिए जाए सीरीज में तो क्या हो जाएगा, बहुत हाई वोल्टेज जनरेट होगा, उसके क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। इसलिए बैटरी जो होता है ग्रुप ऑफ क्या होता है, सेल्स होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं जी, बैटरी बोलते हैं। आपको भी पता है कि जो आपको ट्रक में या जो आपको ट्रेन वगैरह में होता है उसमें क्या होता है, बोलता है लोग क्या बोलता है, बैटरी बोलता है, वो लोग कभी सेल नहीं बोलता। वो इसलिए बोलता है क्योंकि बहुत छोटे छोटे सेल को मिलाकर क्या बनाया गया, एक बैटरी बनाया गया रहता है जी। इसीलिए उसका पावर क्या होता है, हाई होता है, उसका वोल्टेज क्या होता है, हाई होता है। बात करें जिन सेलों में रसायनों की क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल्ब जनरेट होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल। बोला है कि ये इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय होता है जी। ये क्या होता है, एक रिएक्शन इधर से होगा, आपने चार्ज किया, एक रिएक्शन हुआ, उसके बाद क्या होगा, उल्टा रिएक्शन नहीं होगा, वही एनर्जी जो जनरेट होगा क्या होगा, हमको खपत करना होगा। अगर उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी सेल हो जाएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे बैटरी हैं जिसको क्या करते हैं, चार्जेबल बैटरी होते हैं, उसको क्या करते हैं जी, तो सेकेंडरी सेल में हमारा आ जाएगा। अभी हम प्राइमरी सेल के बारे में बात करें, बोला इसमें रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है जी, क्या होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है, उल्टा नहीं चलेगा, एक ही डायरेक्शन में चलेगा। प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को जस्ता इलेक्ट्रोड के पारे परत चढ़ाकर अमलगम दूर किया जाता है। अब बोल रहा है कि देखिए, अब प्राइमरी सेल में क्या होता है कि बहुत इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलने से वजह से क्या होता है कि कुछ ना कुछ हाइड्रोजन गैस जो निकलता है वो क्या होता है, जो आपको जस्ते पे क्या होता है जी, वो जमा होके क्या हो जाता है, थोड़ा पेस्ट टाइप से बना लेता है, जिससे क्या होता है कि आने वाले जो हाइड्रोजन गैस होते हैं, आने वाले जो हाइड्रोजन गैस होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जिससे क्या होता है, छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, और इससे क्या होता है, बैटरी का क्या होता है जी, बहुत बैटरी वीक पड़ जाता है, उसको बोलने से क्या पड़ता है, वीक पड़ जाता है। उसी को बोल रहा है कि उसको दूर करने के लिए स्थानीय क्रिया दोष जो स्थायी इलेक्ट्रोड पे होता है उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, पारे की परत चढ़ा जाते हैं। पारे की परत चढ़ाने क्या बोलता है जी, अमलगम, अमलगेमेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमलगेमेशन में कौन सा पार्टिसिपेट करता है, तो कौन सा पारा, तो पारा पार्टिसिपेट करता है। पारा क्या होता है, भाग लेता है उसमें। ये सेल निम्न प्रकार के होते हैं, बोला है प्राइमरी सेल कौन कौन सा थी, तो वोल्टोइक सेल होता है, डेनियल सेल होता है जी, ड्राइव सेल होता है, लैक्लांचेस सेल होता है। देखिए अच्छी बात की जाए तो लैक्लांचेस सेल का ही एक मॉडिफाइड रूप क्या है, ड्राइव सेल है। तो आपने ड्राइव सेल देखा है, वोल्टेज सेल आपने देखा है कि नहीं देखा है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन चलिए डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश किया जाएगा। आप अगर अगल बगल कहीं देखे होंगे तो उससे समझिएगा।
चलिए तो हम वोल्टेइक सेल के बारे में बात करें। वोल्टेइक सेल नाम क्यों पड़ा जी? वोल्टेइक सेल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसने किसने डिस्कवर किया था? तो वोल्टा ने इसको डिस्कवर किया था जी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वोल्टेइक सेल बोला जाता है। तो वोल्टा नाम किया था। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में क्या किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है, H2SO4 का। एनोड और कैथोड के रूप में जस्ता के छड़ और तांबे के छड़। देखिए एनोड जहां भी आएगा, एनोड का मतलब जस्ता हो लेंगे हम लोग, जस्ता ही याद रखेंगे जी। एनोड का मतलब क्या होता है? जस्ता होगा, ठीक है ना। एनोड पे क्या हो जाएगा? जस्ता यानी जिंक की होगी। कैथोड पे क्या है जी? कॉपर है, हमने वोल्टाइक सेल में याद किया। बाकी इसका कितना होता है जी? ईएमएफ क्या होता है? 1.08। ईएमएफ का मतलब विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है जी, विद्युत वाहक बल है जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। तो इसके बाद बढ़ते हैं वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल का देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया, इसमें क्या है बता रहा है कि ये क्या है? कॉपर है, इलेक्ट्रोड है, एवी एमजी है, एक इलेक्ट्रोड। देखिए कॉपर है, इसको जिंक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एमजी भी ले लिया कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉपर और जिंक लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक तरफ जिंक रहेगा, तो उस जिंक जस्ता को क्या लेते हैं जी? एनोड लेते हैं। तो ये मेरा एनोड हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। इसके करो देखिए हमने वायर जोड़ रखा है, मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन इसमें होगा और उसमें अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? करंट फ्लो करेगा जी। ये स्विच बना रखा है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि देखिए बैटरी जो जब ऐड कर रहा है तो हमेशा स्विच ऑन नहीं रहेगा, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट होगी तो ही हम क्या करेंगे? स्विच ऑन करेंगे। अब बात कर रहे हैं डेनियल सेल की। तो डेनियल सेल में क्या आता है जी? तो डेनियल सेल में बोल रहा है कैथोड के रूप में तांबे का एक बेलनाकार पात्र लिया जाता है। देखिए यहाँ पे फिगर से देख सकते हैं, एक बेलनाकार पात्र है जी, एक कॉपर का है, जिंक का है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लगाया गया है जिंक का, यहाँ पे लगाया कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट लगाया। यहाँ पे जो सॉरी कॉपर का कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लगाया है, जिंक सल्फेट का क्या है? इलेक्ट्रोलाइट लगाया गया है। ये रड लगाया गया है जी, क्या है? इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। यहाँ से हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया। देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये जो हमने ये बना रखा है, यहाँ पे क्या होगा जी? रिएक्शन होगा इनके बीच। क्या होगा? इसके बीच जो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चल के। चलिए अभी पढ़ लेते हैं क्या बोला है कि इसमें कैथोड के तांबे की एक बेलनाकार पात्र में रखा जाता है। बर्तन के ऊपर की ओर तांबे का बालकोनी बना होता है जी। तांबे का बोल रहा है क्या है जी? बालकोनी बना रहता है, अच्छा जी, जिसमें कॉपर सल्फेट के ठोस रवे क्रिस्टल भरे रहते हैं। बोल रहा है बालकोनी में क्या है? क्रिस्टल सल्फेट भरा रहता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट का घोल प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का घोल पिया जाता है और कॉपर क्या है? क्रिस्टल के फॉर्म में भी रखा जाता है जी। यही बात बोल रहा है। आगे बोल रहा है इस बेलनाकार संरंध्र पात्र यानी पोरस पोर्ट में कौन सा रखा जाता है? तो H2SO4 से भरा जाता है, जिसमें क्या है जी? H2SO4 है। यहाँ से देख सकते हैं डेनियल सेल का भी बल क्या होता है? 1.1 वोल्ट होता है, जो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या बोल रहा है कि 2 से 6 ओम होता है। तो ये भी कोई उतना बड़ा नहीं है जी, ठीक है ना। ये भी क्या है? बहुत लो ही वोल्टेज जनरेट कर रहा है। बात कर रहे हैं अब लाइक्लांचेस सेल की तरफ बढ़ते हैं। तो लाइक्लांचेस सेल क्या है? देखिए अब मान लीजिए इसको तो क्या है जी? एक बार चार्ज कर दिया, उसके बाद पावर हमेशा देना है, तो ये ऑब्वियस बात भी बनती है कि पावर तो ज्यादा देगा नहीं, वोल्टेज ज्यादा देगा नहीं। क्योंकि वोल्टेज ज्यादा देगा तो क्या होगा? तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो जल्दी खत्म होगा तो इसको तो चार्ज कैसे करेंगे जी? चार्ज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसमें क्या होता है जी? वोल्टेज लो जनरेट हो रहा है हर जगह। आप देखने पर हमेशा निकल रहा है, वोल्टेज लो जनरेट हो रहा है। बात करें लैक्लांचेस सेल, लैक्लांचेस सेल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझिए। इसमें इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप में NH4Cl लिया जाता है जी। कार्बन की कैथोड बोल रहा है, कार्बन की क्या है? कैथोड है जी। इसके बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइट में डुबोई जस्ते की एक एनोड होती है, जस्ता है, ठीक है ना। जस्ता का क्या है? ये रड है, ये ग्लास बेसल है। इसमें क्या है? NH4Cl का एक सोल्यूशन ही है ये, MnO2 पैरा पाउडर। आपको ये सब देख सकते हैं। ये क्या है? मेरा कार्बन का रड है। ये क्या है जी? पोरस पॉट है जी, एम्बेडेड विथ कार्बन। इसमें क्या है जी? ये MnO2 और चारकोल पाउडर है इसमें। आपने अगर मुझे याद है कि ड्राई सेल अगर आपने देखा होगा तो ड्राई सेल जैसा ही कुछ जा रहा है। आप देख सकते हैं इसको, ड्राई सेल ही जैसा ही कुछ जा रहा है। बात किया जाए तो लैक्लांचेस सेल का ही मॉडिफाइड रूप क्या है जी? ड्राई सेल है। हम लोग इसके बाद ही पढ़ेंगे। यहाँ से देख सकते हैं बोला है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड यूज किया जाता है, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हो जाता है। कार्बन की छड़ कैथोड के रूप में होता है और जस्ता तो आपको पता ही है किसके? एनोड के रूप में होता है। जस्ता हमेशा आएगा एनोड के रूप में आएगा। इसमें बात किया जाता है इसमें विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड का भी यूज किया जाता है। विध्रुवक के रूप में क्या किया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ताकि ये क्या हो, ये एक पेस्ट बना रहे और रिएक्शन होता रहे। एक लांचे सेल का विद्युत वाहक बल बोला है 1.46 वोल्ट होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 to 5 ओम होता है। वोल्टेइक और लैक्लांचेस सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्र होना
ध्रुवाच्छादन कहलाता है। देखिए मैंने बोला था ना कि हाइड्रोजन क्या होता है, जमा होता है, उसी को बोला है ध्रुवाच्छादन बोला जाता है। इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, मैंने आपको बता रखा है। चलिए आगे बढ़िए, बात करते हैं यही लैग्रांज सेल का एक पार्टिकुलर पार्टिकुलर केस लेंगे तो क्या मिलेगा जी, ड्राई सेल। अब ड्राई सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ शुष्क सेल क्या है जी, लैग्रांज सेल का संशोधित रूप है, क्या है, मॉडिफाइड रूप है। इसमें जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है, ठीक है जी, आप ऐसे देख सकते हैं जी, जस्ते का क्या होता है जी, बेलनाकार पात्र होता है। देखिए आपने अगर ड्राई सेल देखा होगा तो पीछे वाले घुंडी पे क्या होता है जी, जिंक होता है, जस्ते का एक होता है लेयर होता है, और ये तो पेपर का भी बनाया जा सकता है, उसे कोई नेसेसरी नहीं है कि पूरा ही जिंक रहे, ठीक है ना, जस्ते का रहे, ये पेपर का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जरूर ही जिंक रहता है। अब इसमें पूरा का पूरा ही जिंक ले रखा है, ठीक है ना, जस्ते ले रखा है। पात्र में ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ है जी, कार्बन की एक छड़, देखो यहाँ पे कार्बन की एक छड़ है जी, उसको क्या माना गया, पॉजिटिव माना गया। अब बैटरी एक फोड़ के देखना ना, आप बैटरी जो यूज करते हो टॉर्च वगैरह में, दीवार घड़ी में, तो उसको आप देख सकते हो फोड़ के, उसमें क्या होता है, एक कार्बन की छड़ रहेगी। इसमें अमोनियम क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट लगाया जाता है। देखिए जी इसके ऊपर क्या है, एक प्लास्टिक का एक लेयर बन रहता है कि जो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का क्या होता है, एक सीलिंग मटेरियल होता है यहाँ पर, ठीक है, ईमेल किया गया, उसके अंदर जाते हैं। तो देखिए ये मेरा कॉपर है, ये मेरा जिंक है, तो जिंक के पास वाले में जिंक कंटेनर जो है उसके पास में क्या रहेगा जी, वेट पेस्ट, मतलब थोड़ा सा ढीला पेस्ट रहेगा, ठीक है ना, उसी में क्या रहेगा जी, इसी पेस्ट में क्या रहेगा, अमोनियम क्लोराइड रहेगा, जिंक क्लोराइड रहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा, ठीक है ना जी, ये पेस्ट के टर्म में रहता है। आप उसको फोड़ना देखना बैटरी को, तो क्या रहेगा, थोड़ा सा चिपचिपा रहेगा, गीला रहेगा। इसका विद्युत दाहक बल्ब बोल लाइक 1.4 से 1.5 वोल्ट तक होता है। इसका उपयोग टॉर्च, दीवार, घड़ी, विद्युत घड़ी इत्यादि में करते हैं। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मुख्य रूप से विध्रुवक होता है, क्या होता है जी, मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या होता है जी, इसके आसपास लगा रहता है इसमें, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं फिगर बहुत अच्छा क्लियर है, ड्राई सेल है, ड्राई सेल तो आपने थोड़ा भी होगा बचपन में बहुत सारे, तो आप वहां से समझ भी सकते हैं। देखिए हमको, मैं अभी तो पढ़ा रहा हूँ एक एक करके, इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको एक कंक्लूजन बता दूंगा, एक क्या बताऊंगा जी, कंक्लूजन बता दूंगा, और उसको आप लोग क्या कीजिएगा, उसको ही याद कर लीजिएगा। अब बात करें हम मरकरी सेल, तो मरकरी सेल आपने देखा होगा जो छोटी सी चाइनीज घड़ी जो आती थी, जो डिजिटल जो डिवाइस आ जाती है उसमें क्या होता है, छोटी सी बैटरी होती है, उसका डायमेंशन बात किया जाए तो विद्युत बल्ब कितना होता है, डायमेंशन बात करते हैं। देखिए उसका व्यास बोल रहा है कि अगर ऐसा गोल है तो इसका क्या है, 4 mm का व्यास है, और ऊंचाई कितनी है, 2.5 mm, देख सकते हैं कितना छोटा साइज है। आपने देखा होगा, देखिए ये क्या है सेल, इसको काटा गया है ऐसे, इसको पूरा गोल ऐसे मानिए, और क्या जी गोल रहता है, उसमें ऊपर थोड़ा सा उठा रहता है, जो ऊपर उठा रहता है वो क्या है जी, थोड़ा सा अंदर जाके उठा रहता है, तो यहाँ का डायमीटर एक बड़ा सा डायमीटर होता है और ये बड़ा सा होता है, ठीक है ना। तो आप मरकरी सेल देखे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत यूज होता है ये, तो इसमें क्या होता है, देखिए ये स्टील क्या होता है, पूरा ये स्टील का कवर होता है, ठीक है ना, पूरा ये स्टील के ऊपर कवर होता है। बात की जाए स्टेनलेस स्टील का एक बेलनाकार पात्र होता है, बेलनाकार पात्र जिसके तली में मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO है परत होती है, विध्रुवक एवं कैथोड की भांति कार्य करता है। बोला कि किसके काम करता है जी, तो कैथोड की तरह काम करता है। देखिए अब यहाँ से जो हम लोग क्या किया जी, जिंक स्टेनलेस स्टील है, पूरा ही कवर है, पूरा ही कवर है, तो स्टेनलेस स्टील है, इसमें क्या है जी, यहाँ पे जो पेस्ट लगाया है सोल्यूशन में HgO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेसिक मीडियम KOH और ZnOH2 है, इसमें क्या है जी HgO लगाया गया। इसमें बोला कि एनोड क्या है जी, ये जिंक का जो लेयर है, ये सेकंड वाला जो लेयर है क्या है, जिंक का है, जिंक जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, एनोड रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिंक जब भी रहेगा क्या रहेगा हमारे लिए, एनोड रहेगा। बोला है पोटेशियम ऑक्साइड का ये क्या है जी, लुगदी जिंक ऑक्साइड और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है जी, KOH और क्या है जी, जिंक ऑक्साइड को क्या बोला है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया गया है, ठीक है ना। इसका विद्युत वाहक बल अगर देखेंगे तो कितना आ जाए, 1.35 से 1.4, ये भी क्या है जी, बहुत कम वोल्टेज दे रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं इसको बटन सेल भी बोला जाता है, इसका नाम याद रखिएगा, बटन सेल भी बोला जाता है, क्योंकि बटन जैसा थोड़ा सा दिखता है। देखिए इसको थोड़ा, ये छोटा सा बने ना, ये बहुत थोड़ा बड़ा दिख रहा है हमको, ये छोटा सा दिखेगा तो बटन जैसा ही दिखेगा हम, ठीक है जी। हमने क्या पढ़ा, मर्करी सेल पढ़ा जी, मर्करी ड्राई सेल में ही आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल तो नाम के लिए ही भाई, नाम से पता चला सिल्वर है तो महंगा तो इतना होगा कि और कोई इतना महंगा होगा भी नहीं। यहाँ से आप जान सकते हैं सिल्वर ऑक्साइड सेल क्या होता है, बहुत महंगा होगा जी, इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें सिल्वर ऑक्साइड जो होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये महंगा होगा। इसका EMF क्या होता है जी, 1.5 वोल्ट होता है। इसका अगर इमेज देखना चाहेंगे तो भी थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तो कहूंगा बस आपको याद रखिए कि महंगा होता है, इसका यूज नहीं किया जाता है, ईमेज वोल्ट भी इसका भी क्या होता है, कम होता है, और EG2 क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी सेल की तरफ, आगे बढ़ते हैं जी सेकेंडरी सेल की तरफ।
सेकेंडरी सेल में क्या होता है जी, हमारा जो होता है बैटरी क्या होता है, इसमें जो भी सेल होता है वो क्या होता है, रिचार्ज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उसको चार्ज किया जा सकता है। इसी का मतलब क्या जी, उसको फिर से हम लोग बैक में आ सकते हैं। तो हमने यहाँ तक प्राइमरी सेल को कंप्लीट किया है, अगले क्लास में हम लोग सेकेंडरी सेल पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ कंक्लूड कर दूँ, इससे पहले मैं आपको कुछ कंक्लूड कर दूँ कि प्राइमरी सेल और प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल, यानी प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या डिफरेंसेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकिए।